हेलो हाय नमस्कार राम राम सत्यकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपके सीटेट में, डीएसएसपी में, केवीएस में, एनवीएस में हर जगह पूछा जाता है। छोटा सा टॉपिक है, 5-10 मिनट में अपन पूरा कर लेंगे। हर बार हर टेट में पूछा जाने वाला टॉपिक जिसमें 2 या 3% अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है आपका उपलब्धि परीक्षण। क्या उपलब्धि परीक्षण? निदानात्मक और क्या संरचनात्मक, वो सॉरी उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और इसके प्रकार और इसमें क्या क्या होता है, उन सभी के बारे में। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण अपन करते हैं फिर शुरू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उपलब्धि परीक्षण को दूसरा नाम क्या होता है? निष्पत्ति परीक्षण। क्या? निष्पत्ति, निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण को क्या बोलते हैं? निष्पत्ति परीक्षण भी बोलते हैं। परिभाषा के रूप में देखना चाहिए तो देख सकते हैं, शिक्षण कार्य करने के बाद जब शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके छात्रों ने किस हद तक अधिगम किया है, उसकी किस लिमिट तक सीखा है, यह परीक्षण शिक्षण कार्य के समाप्त होने के बाद किया जाता है। यहाँ उपलिख लगा ले, शिक्षण कार्य करने के बाद जब शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उसके छात्रों ने किस हद तक अधिगम किया है, तो क्या कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण। सीधा सीधा नाम में पढ़ा है उपलब्धि परीक्षण। क्या उपलब्ध किया गया, क्या प्राप्त किया बच्चों ने, किस हद तक सीख पाए, कहां कमी रह गई, वो हो गया आगे की प्रक्रिया। मगर उपलब्धि परीक्षण क्या जाता है कि बच्चों को जितना पढ़ाया गया क्या बच्चों ने उतना समझ लिया, उन्होंने उतना अधिगम कर लिया, उतना सीख लिया, वो होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। नॉर्मल अपन एग्जाम्पल के तौर पर सीखना चाहें, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, उपलब्धि परीक्षण पढ़ रहे हो, जब मैं आपका टेस्ट लूं उपलब्धि परीक्षण की, आपने इसमें क्या जाना, क्या समझा, वो टेस्ट लूंगा, तो वो क्या होगा? आपका उपलब्धि परीक्षण होगा। आपका जैसे टॉपिक पूरा हो जाए, सिलेबस पूरा हो जाए, उसके बाद होता है ये। क्या है कि यह परीक्षण शिक्षण कार्य के समाप्त होने के बाद हो जाए, जैसे आपकी सीटेट का एग्जाम होगा उसमें पता चलेगा आपका कि आपने क्या सीखा था, कहां पे आपकी कमी रहेगी, फिर नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी करोगे, नेक्स्ट सीटेट की, डीएसएसपी, किसी भी चीज की, आप कितने बच्चे क्लियर कर पाए, कितने बच्चे 90+ ले पाए, कितने 90 से कम रह गए, उन सब का होता है परीक्षण, मूल्यांकन, वो होता है आपका उपलब्धि परीक्षण। सीधा देखना चाहें तो अपन नॉर्मल भाषा में देख सकते हैं कि शिक्षक द्वारा दिए गए शिक्षण व शिक्षित बच्चे को करवाए गए अधिगम, उनको जब वापस जाना जाता है कि बच्चे ने किस हद तक सीखा है, उसको क्या बोलते हैं? उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण बोलते हैं। उपलब्धि परीक्षण के 2 प्रकार के परीक्षण होते हैं। इस परीक्षण में कितने प्रकार के परीक्षण होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रमाणीकृत परीक्षण, एक होता है अप्रमाणीकृत परीक्षण। नाम से पता चल रहा है, प्रमाणीकृत जिनके मतलब जो वैलिड हो और जिनका परिणाम एकदम 100% सही आए, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और बच्चों की सभी बच्चों के लिए समान हो, होते हैं प्रमाणीकृत। अप्रमाणीकृत होते हैं जिनमें परिणाम विश्वसनीय नहीं होते, जिनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता और उन्हें कोई भी उनका निर्माण कर सकता है, जैसे शिक्षक कर सकता है, बच्चे कर सकते हैं, पर इनका क्या होगा, इनका एक कमेटी होती है, वो प्रॉपर उनका निर्माण करती है। जैसे परिभाषा के रूप में देखें, अप्रमाणीकृत परीक्षण, प्राप्त परिणाम विश्वसनीय नहीं होते, शिक्षक अपने स्तर पर निर्माण करता है, प्राप्त परिणाम विश्वसनीय नहीं होते, इसमें जो रिजल्ट आएगा वो वैलिड नहीं होगा। कि एक कमजोर बच्चा है वो भी 100 में से 100 लेके आ रहा है, एक होशियार बच्चा है वो 100 में से 50 लेके आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसका निर्माण किसने किया है? उनको पढ़ाए शिक्षक ने किया है, उनको मद्देनजर, सिर्फ उतने बच्चों को मद्देनजर रखते हुए। अगर पूरे बड़े लेवल पे होगा, जैसे आपका सीटेट है, रीट है, एनवीएस है, केवीएस है, उनमें जब आप ओएमआर भर के आते हो, वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके प्रमाणीकृत परीक्षण। क्यों? क्योंकि पर्याप्त प्रमाण विश्वसनीय होते हैं। अगर आपने 4 ऑप्शन आते हैं आपके सामने, क्या क्या, ए बी सी डी, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 सीरीज अलग अलग होगी, क्वेश्चन के ऑप्शन सेम होते हैं, फिर उसमें क्या हो गया, अगर आपका ए सही है ना, तो उसी सीरीज के तीसरे चौथे कोई इतना भी बंदे हो, 200 हो, 500 हो, उन सभी का ए ऑप्शन सही है, तो उनका भी ए ही माना जाएगा। अगर आपका बी सही है तो बी ऑप्शन एग्जैक्ट है तो बी सही माना जाएगा। वो था आपके प्रमाणीकृत परीक्षण। अप्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं शिक्षक द्वारा, कोई बच्चा कुछ बताएगा, कोई बच्चा कुछ बताएगा, वो होता है आपके अप्रमाणिक, और इसमें क्या है, प्रमाण विश्वसनीय होते हैं। उपलब्धि परीक्षण का मूल उद्देश्य उन बालकों की पहचान करना होता है जिसमें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ। उपलब्धि परीक्षण जाना कि क्या होता है, अब जानेंगे कि उपलब्धि परीक्षण का मेन उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है उन बच्चों की पहचान करना जिनको आवश्यक सीमा तक अधिगम प्राप्त नहीं हुआ है,
जितना उनको सीखना था उतना उन्होंने नहीं सीखा, उनमें कमी रहेगी। उन कमी को उन समस्या का पता लगाने के लिए, उन बच्चों का पता लगाने के लिए जिनमें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ है, अगर मैंने आपको उपलब्धि परीक्षण पढ़ाया, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं, तो इसलिए ले रहा हूं कि आप कहां पे आपकी कमी रहेगी, किन बच्चों में कमी रहेगी, उन बच्चों की पहचान करने के लिए क्या दिया जा रहा है, आपका उपलब्धि परीक्षण करवाया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य यह होता है। प्रमाणीकृत परीक्षण पढ़ा या प्रमाणीकृत पढ़ा, अब चलते हैं हम नेक्स्ट। यदि उपलब्धि परीक्षण में एक भी बालक समस्यात्मक, ठीक है, क्या है समस्यात्मक, एक भी बालक समस्यात्मक मिलता है तो आगे इन परीक्षणों का आयोजन क्या। समस्यात्मक बालक कौन होता है? वो बालक जिनमें आवश्यक क्षमता तक अधिगम नहीं हुआ है, जिन्हें उनको जितना पढ़ाया गया था उनको उन्होंने उतना अधिगम नहीं किया, उतना नहीं सीखा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप उतना सीख लोगे तो आप समस्यात्मक बालक में ऐड नहीं होगे। अगर आप उसमें से कम सीखोगे, मैंने पढ़ाया आपको दो यूनिट तीन यूनिट पढ़ाई, उनमें से आप अगर एक यूनिट आपकी कंप्लीट है, आपका टेस्ट सभी यूनिट को लिया जा रहा है, तो उनमें क्या हो जाएगा, आप समस्यात्मक बालकों में शामिल हो जाओगे। वो होते हैं आपके समस्यात्मक बालक। यदि उपलब्ध परीक्षण में एक भी बालक समस्यात्मक मिलता है तो आगे इन परीक्षणों का निर्माण किया जाएगा। कौन कौन से? पहले निदानात्मक परीक्षण किया जाएगा, फिर उपचारात्मक परीक्षण किया जाएगा। समस्यात्मक बालक तो आपके किस में पहचाने जाएंगे? उपलब्धि परीक्षण में पहचाने जाएंगे, ये बच्चे समस्यात्मक बालक हैं। फिर उन समस्यात्मक बालकों में किन समस्या, उन ना अधिगम ना कर पाने के कारण क्या थे, क्या अधिगम ना कर पाने के कारण क्यों नहीं पढ़ पाए, क्या उनके घर के कारण है, क्या उनके मानसिक कारण है, क्या उनकी फिजिकली प्रॉब्लम है, या उन्हें वो पढ़ाया गया वो समझ में नहीं आया, या वो विधि उनको अच्छी नहीं लगी, क्या किन कारणों से वो नहीं सीख पाए, उन कारणों का पता किसमें लगाया जाता है? निदानात्मक परीक्षण में लगाया जाता है। उपलब्धि परीक्षण में पहचाने गए समस्यात्मक बालकों को समस्या के कारणों को जानने के लिए क्या किया जाएगा? ध्यान रहे, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, इनमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, दोनों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, उपचारात्मक परीक्षण क्या होता है। निदानात्मक का निदान करना नहीं होता, निदान आपके समस्या का उपचारात्मक में होगा। निदान में समस्या के कारणों का पता लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा, समस्या के कारणों का पता लगाया जाएगा कि बच्चा किन कारणों से नहीं सीख पाया, उसका पता लगाया जाएगा। निदानात्मक उन कारणों का सॉल्यूशन किया जाएगा, वो किया जाएगा उपचारात्मक। और समस्यात्मक बालकों का पता लगाएगा आपका उपलब्धि परीक्षण में, कौन बच्चे समस्यात्मक है, किन में आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ है, उन बच्चों के कारणों का पता लगाया जाएगा, कौन सा बच्चा क्यों नहीं सीख पाया, ठीक है। फिर उपचारात्मक परीक्षण आता है। निदानात्मक परीक्षण में पता चले अधिगम समस्या के कारणों को, निदानात्मक परीक्षण में पता चले अधिगम समस्या के कारणों को, कारणों को शिक्षण द्वारा किया जाता है, जिससे कि समस्यात्मक बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाया जाता है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। निदानात्मक परीक्षण में पता चले अधिगम समस्या के कारणों को समस्या जो कारण पता चले थे निदानात्मक परीक्षण में से पता चले अधिगम समस्या के कारणों को जानकर उन्हें बच्चों को पुनः शिक्षण कार्य किया जाता है, ठीक है। इसमें आप लिख रहे हैं निदानात्मक परीक्षण से पता चले अधिगम समस्या के कारणों को हल कर बच्चों को पुनः शिक्षण इस कारणों से आगे आप ना लिखें इससे लिख लेना जिससे यहां से आपको आगे लिखे निदानात्मक परीक्षण से पता चले अधिगम समस्या के कारणों को हल कर बच्चों को पुनः शिक्षण करवाया जाता है जिससे कि समस्यात्मक बालकों को आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाया जाए। केवल समस्यात्मक बालकों के लिए होता है। उपचारात्मक परीक्षण पूछा जाए कि उपचारात्मक परीक्षण किन बालकों के लिए होता है? समस्यात्मक बालकों के लिए होता है। समस्यात्मक बालक वो होते हैं जिनमें आवश्यक सीमा तक अधिगम नहीं हुआ हो। उपचारात्मक परीक्षण आपका समस्यात्मक बालकों के लिए होगा। यदि एक इस बात का भी ध्यान रहे कि यदि उपलब्धि परीक्षण में एक भी बच्चा समस्यात्मक पाया गया है ना, तो उस बच्चे के लिए इन परीक्षणों का निर्माण किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। अगर एक भी बच्चा पाया गया तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के लिए नहीं होगा, एक भी बच्चा पाया गया समस्यात्मक तो उसके लिए होगा। अगर एक भी बच्चा नहीं पाया जाए तो कोई भी परीक्षणों का निर्माण नहीं होगा, साफ साफ लेगा। यदि उपलब्ध परीक्षण एक भी बालक समस्यात्मक पाया गया है तो आगे इन परीक्षणों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है।
ये थे आपके, इनमें अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है तो देख लें। निदानात्मक परीक्षण होता है बच्चे के, बच्चा किन कारणों से नहीं पढ़ पाया, किन कारणों से नहीं सीख पाया, उन कारणों का पता लगाया जाता है निदानात्मक में, उन कारणों को हल किया जाता है उपचारात्मक परीक्षण में, उनको एक्स्ट्रा पढ़ा के उनको पुनः शिक्षण करवा के उपचारात्मक शिक्षण में। ये थे आपके उपचारात्मक शिक्षण, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण और निदानात्मक शिक्षण। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।